गुरुदेव नाम जिसका जय गुरुदेव नाम जिसका सत्संग समाप्त हो गया। अच्छी तरह से कोई विघ्न बाधा नहीं, सत्संग सदा हमेशा मालिक की याद में लगे रहे हो। जो सुबह शाम बताया एक घंटे शाम को आप लोग हमेशा उतना समय देते रहे और रात्रि को जब सोने जाए तो लेट करके करें, उस समय मन नहीं भागता क्योंकि सब जगह से हट करके सोने में आएगा, तो उसी समय पर आप अपने आप कान बंद करके ऊपर कानों के साथ रोक करके मन को बंद करो और सुनो तो बहुत जल्दी काम होगा। जिसको लगन होती है, तड़प होती है, वो हर तरह से करता है। उसमें अपनी तरफ से सुस्ती नहीं आनी चाहिए। जो लोग जगत में फंसे हैं तमाम क्रियाओं में, उनका क्या होगा? हमें वैसे भी सुनाते हैं कि किराए का मकान है, आपका नहीं है, और जो सामान आपके पास है वो भी किराए पर है। जब जीवात्मा शरीर से निकाल दी गई और ले गए तो दो ही हिसाब होते हैं, अच्छे काम और बुरे काम के। तो बुरा काम किया उसका हिसाब और सजा सीधे ले जाओ इनको नरकों में, तो ले जाते हैं। जितने अच्छा काम किया उसका वो अच्छा फल देते हैं। अगर शरीर मिला हुआ तो शरीर दे देते, नहीं मिला हुआ तो 84 चक्कर काट करके हजारों वर्षों में फिर वापस लौट आएगा। तो आखिरी योनि गाय की है, बैल की योनि और गाय की जिसको मिलेगी वो मनो शरीर पाएगा। गौएं स्त्री तन और पुरुष, और जो बैल है वो पुरुष तन। ये उतने 84 फेरे का अंतिम मतलब यह है कि मनुष्य शरीर में आने का रखा है। जो 84 से आएगा उसको गाय की योनि में जाना है, सीधा नहीं मिलेगा। तो इतना लंबा फेरा है कारखानों का, अंडज पिंडज उखबज अस्तावर
कि जीव को कितने हजार वर्ष और कितने कल्प वर्ष लग जाते हैं, भोगते भोगते रोते चिल्लाते, लेकिन वहां उसकी कोई रक्षा नहीं, किसी प्रकार की भी रक्षा नहीं, कोई की बचाव कर ले कुछ नहीं, जो किया है तो भोगना पड़ता। ऐसे जीवों का क्या होगा, ये कभी उनका छुटकारा निपटारा कभी होगा कि नहीं होगा, तो वो बात आपको प्रमाण दे करके समझाना चाहते थे कि आप सबूत लेंगे, महात्माओं का प्रमाण लेंगे तो आपके हृदय में बात बैठ जाएगी कि हाँ ठीक है। एक नहीं, बहुत महात्माओं ने जो आए उन्होंने समझाया, सबूत उनके सब है और सबूत पाने पर ही आपको विश्वास हो जाता है। तो इसलिए बड़े ध्यान से, आज अंतिम समय है, अपना पूरा कार्यक्रम सुचारू रूप से हो गया और अभी दृश्य दिखाई दे रहा है, ये मैदान पूरा भरा हुआ है, ये अभी आ रहे हैं दो चार दस मिनट में जो थोड़ा सा खाली वो भी भर जाएगा, इतनी बड़ी संख्या नरराजों की। और ये बड़े सद्भाव श्रद्धा आस्था से जाने की तैयारी कर रहे हैं, और आज अभी थोड़े समय बहुत से लोग चले गए और अभी शाम को जाएंगे, सत्संग सुनने के बाद उनको जाना है। बोलो, दुष्ट दूत अब अधिक सतावे, दर्शन सतगुरु स्वामी नाही दिखावे। कहते हैं कि जब साधक साधना करता है, कुछ उससे कर्म बन गया तो अंदर दूत जो है बहुत भय डर दिखाते हैं, तरह तरह के रूप जिसको आपने देखा नहीं वो दिखाते हैं। और ये कहते हैं कि तुम हमारा कर्जा जो लिया है वादा किए जाओ, अदा करो। कौन उपाय करूं मैं सजनी, जोर जुल्म इन कब लग सहनी। अब तुरंत कहती है कि मैं क्या करूं, ये जो विघ्न पहुंचाते हैं, स्टाफ मांगते हैं, तो मेरे पास तो देने की शक्ति नहीं है, हम मैं कैसे हिसाब दू कर्मों का जो पाप पुण्य हुए। अब ये बहुत सताते हैं, तो गुरु ऐसी कृपा दया करें कि छुटकारा हो जाए। चल बल खाक किया मैं अंगा, जस ज्योति पर जले पतंगा। कहते हैं कि बस मैंने तो आप पर अपना तन मन सब निछावर कर दिया, जैसे एक लाइट है रात को जलती है कीड़े चारों तरफ उसके उसको चक्कर मारते रहते हैं और उसी पर अपने अंग को जला देते हैं और खत्म हो जाते हैं। कहने कि ये तो गुरु के ऊपर में निचावर हो गया है, अब तो जो होगा तो होगा। बोलो, कौन सुने मेरी किस पैरों, जैसी बिथा मेरी मैं ही सहूं। कहते हैं मैं किस पे कहूं
और अपनी तकलीफ अपनी पीड़ा किससे रो, कौन और सुनेगा, कोई सुनने वाला तो है नहीं है। बोलो आह कर निस दिन दए हूँ, सबर न आवे फिर पछताए हूँ। कहते हैं मैं आज चिल्लाता हूँ, आज निकलती है और याद आए कि कौन रक्षा करेगा। बहुत पीड़ा है, नरकों में बहुत पीड़ा मिलती है, छोटी मोटी नहीं। बोलो बिन सके गुरु स्वामी अब कोई नहीं मेरा, दुख दर्द ने अति कर घेरा। कहते हैं कि अब तो हमको ये मालूम हो गया कि बिना सतगुरु के हमारा कोई है नहीं, और ये दुष्ट ये बहुत पहले दूत घेरते, ये जब जाओ जब कृष्ण दिए जाओ। लेकिन अब तो हम उनको सब कुछ दे चुके। बोलो अब घबराए करूं मैं विनती, पल पल सतगुरु स्वामी चित में धरती। बहुत घबराता हूँ, घबरा करके हर स्वामी गुरु की मिन्नत प्रार्थना करता हूँ। दाद फरियाद सुनो मेरी सतगुरु, कमल बिना जैसे तड़पे मधुकर। सॉरी फरियाद मेरी पुकार गुरु जी सुन लीजिए, जब तक वो जबर नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो निवर हैं और सतगुरु हैं दबर, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो बलवान है, उनसे कोई नहीं जीत सकता। बोलो मैं तड़पू जस जल बिन मीना, जिगर फटे को कैसे सीना। कहते हैं कि मेरा दिल तो बिल्कुल चिचड़े हो गए, अब पुकार कर रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ, सबर नहीं आता है, धीरज नहीं बढ़ता है कि कैसे जाएगा। तुम सब विधि हो समर्थ स्वामी, तुम ही जतन करो अंतर जामी। कहते हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से सब उपाय कर लिया, ए स्वामी ए तरजामी और जतन करो, आपके पास इसीलिए आया है कि आप उपाय करोगे जतन करोगे और मदद करोगे। मैं अजान कुछ जानत नाही, जैसे बने तैसे काटो फाही। यदि मैं अजान कुछ जानता नहीं और जैसे भी आप चाहो वैसे इस फासिल को जो लग रही है इसको खत्म कर दो, इस फासिल फंडे को काट दो। तब सतगुरु एक युक्ति बताई, सूरत शब्द की करो कमाई। कहते हैं तुम एक काम करो, रास्ता हम बताते हैं, तुम सूरत शब्द की कमाई करो, शब्द के आवाज के साथ नाम के साथ बाजों के साथ में जोड़ो, ये सरल रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं है कोई। और आरत यह नित प्रति गाओ, घर में बैठो सूरत लगाओ। कहते कुछ भाग में दौड़ना नहीं है, अपने अपने घर में रहो, कोई घर बार नहीं छोड़ना, कि घर से बाहर चले गए बाल बच्चों को काम काज को छोड़ गए, नहीं, घर में रहो सूरत शब्द के साथ में लगाओ। तुम्हारा मन जब भजन पे बैठो तो कानों के साथ लगा के रखो, तो सूरत शब्द में प्रवेश होगी, सुनने लगेगी और उसको पकड़ेगी, प्रवेश हो जाएगी। पर मौज निहारो करो विश्वास, एक दिन होगी पूरन आशा। बात करते हैं कि मौज निहारो, मौज देखो मौज निहारो, और जो कुछ कहा उस पर विश्वास करो,
तुम्हारी एक दिन पूरा रहता हूं। इसमें क्या मौज है गुरु की, उसको देखो और सब्र करो, धीरे देखो और एक दिन तुम्हारा काम होगा। आशयत सतगुरु दीन दिलाता, अब मन अंतर हो तो हुलाता। अब जब उन्होंने दिलास दी, बचन करे उनके लिए, लाभ के लिए, हित के लिए, तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। यार जी अब मानो मेरी, मैं दुखिया तुम चरणन चेरी। कहते हैं मेरी ये विनती है, मैं चरणों की चेरी, चरणों में लग गई, और जैसे दीपक पतंगा जल जाता है वैसे चलता हूँ। अब दया करो, कृपा करो। उमंग उमंग करे आरत गाई, नित करूं अत आरत आई। कहते हैं कि मैंने आपके चरणों की आरती शुद्धता से, निर्मलता से आरत की है, और दया करो चरणों में समा जाए। दर्द सुखी मैं भी रहिन भारी, दर्शन की मोहि प्यास करारी। कहते हैं मैं तो बिरह लूंगा आपके दर्शन के लिए, मुझ में बिरह उठी है, अब मैं दिन और रात तड़पती रहती हूँ। जब तक के दर्शन नहीं हो गए तब तक ये बिरह जाएगी। जैसे मीराबाई को बिरह उठी, तो जब मालिक का जब तक दर्शन नहीं हुआ तब तक तड़पती रही। खाना अच्छा नहीं, सोना अच्छा नहीं, पीना अच्छा नहीं, एक दिन कृपा और दया हुई तब उसको दर्शन, वो भी सब मिल करके दर्शन किया। मैं मिल जाए पाए भी अपना, तो मेरी पीर बुझानी यहाँ से गई, और जहाँ प्रथम थे वहां जाके मिली, तब ये दर्द गया। दर्शन सतगुरु स्वामी छिन छिन चाहू, बार बार उन पर बल जाऊं। कहते मैं दर्शन करूं हर क्षण, और बार बार आप ही बोले चावल, तो आप कृपा करो। बहुत ताल मार फटकारे, मैं चरणन पर शीश चढ़ाऊं। गदे गुरु कुछ ताड़ते मारते फटकारते हैं तो भागना नहीं चाहिए, चरणों में जुड़ा रहना चाहिए। किसी का कुछ कह दिया कि ये मत करना, तो नाराज हो गया, चला गया, फिर आया ही, उसको प्रेमी नहीं कहते। वो किसी हित के लिए डरते हैं कि काम मत करो, तो उसको बुरा लग गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, विमुख हो गया, अब मनमुख हो गया, चला गया, तो ऐसों का क्या भला होगा। निर्धन निर्बल को धिन मानी, मैं गुण अपने अब पहचानी। कहते मैं निर्धन हूं, अपाहिज, अब हमने आपको पहचाना कि आप सब कुछ दे सकते। स्वामी दीन दयाल हमारे, मोती अधम को लीन उबारे। कहते हमको जो स्वामी मिले बड़े दीन दयाल में, दीनों पर दया करने वाले, और मेरे ऐसे पापी को इन्होंने छुड़ा लिया, उबार दिया। मैं जिस दिन दम दम हठ करती, मौज हुक्म में चित नहीं धरती। मैं हूँ असल में कदम, और आपकी मौज में हमारा चित,
इधर उधर हो जाता है। लेकिन आप दीन दयाल है तो दीनों पर दया करते हैं। दया करो सतगुरु स्वामी प्यारे, अवगुण बक्सो ले वो बारे। स्वामी एक गुरु महाराज दया कर दो, जो अवगुण हो बख्श दो, माफ कर दो और चरणों में लगा दो। कैसी करूं कसक उठी भारी, मेरी लगी गुरु संग यारी। कहते मैं क्या करूं, मेरे कसकता है और गुरु संग प्यार हो गया। अब ऐसी कसकन है कि गुरु संग प्यार हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं। मेरा बर्तव अब मैं नहीं रहा तो। दम दम तड़पू छिन छिन तड़पू, चढ़ी रही मन में विरह खुमारी। और अभी तक मन उत्पात करता था, जब तड़प हुई तो मन बस, मन तो अपने स्थान पर ही रहेगा, आगे तो जाएगा नहीं। लेकिन वहां जाने में ये बहुत उत्पात करता है, तमाम तरह के कर्मों को इकट्ठा किया है तो ये तो भागता वहां से। जब इतनी प्रार्थना पर दया हो गई तो मन अपने भंडार में हो गया। इसका बहुत बड़ा भंडार है, उस खजाने में जब दया हो गया तो सूरत का साथ छूट गया। सुलगत जिगर फटत नित छाती, उठन लगी ही से चिंगारी। अब कहते हैं कि अब हृदय में दिल में कहते हैं कि छाती मालिक के दीदार के लिए जैसे फटी जाती, अब तो सुर तक ही नहीं हो गई, शब्द में मिली, अब उसको होती है एकदम से कब हो दर्शन और दर्शन कब, क्योंकि सूरत तो शब्द का ही है। अब इसके ऊपर में न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार, न इस पर कोई आवरण रह गया और न काल का कोई दखल ले गया, न ब्रह्म का। अब ये परे हो गए, अब जल्दी है किसी तरह से। जय श्री गुरु महाराज, दया करें और जल्दी दर्शन करें। नयन नीर बहत जस नदिया, डूब मई माया मतवारी। कहते नेत्रों से पानी हमेशा गिरता रहता है, रोते रहते, जैसे नदी बह रही है ऐसे नेत्रों से पानी गिरता है। रोने वालों की यही है रास्ता, पानी गिरता है तो प्रमाण देते हैं कि जैसे नदी बह रही है ऐसे ही नेत्र से आंसू बहते। ठंडी आह उठे पल पल में, छाए गई अब प्रीति करारी। अब चलिए जब प्रेम लगा तो शब्द को नाम को पकड़ा तो सब चले, जिससे प्रीत लगी थी उसी के पास जा रही थी। तोड़ी न टूटे छोड़ी न छूटे, काल करम पचहारी। कहते हैं तोड़े टूटती रही है और छोड़े छूटती रही है, अब प्रीत लग गई। कोशिश करें कि तोड़ देना था तो नहीं, और छोड़ दो भी नहीं हो सकता, अब लग गया। सूरत निरत दो काशित कीने, विथा लिखूं अब सारी। अब सूरत को निरत, निरत कहते हैं सामने दिखाई देता है वो, एक किया, एक कर दिया सूरत निरत तो दूर तक अरबों खरबों दूर दिखाई देता है। अब वो तो दूरबीन है,
एक चश्मा है, एक ऐनक है, एक दूरबीन है। वो जब लगी तो उसको दिखाई दिया है दूर लेकिन पास, वो देखती है। पतिया भेजू गुरु दरबारा, अब लो खबर हमारी। अब ये भेद गुरु से बेटा, ये भेद गुरु से पाया जहां मृतलोक में, तो अब बालक से प्रार्थना करके हमारी खबर ले लीजिए। अब लीजिए, हम गुरु के ही कृपा से यहाँ आ रहे हैं, वैसे यहाँ कोई आ नहीं सकता। नगर उजाड़ देश सब सुना, तुम बिन जग अंधियारी। कहते यहाँ कुछ रह नहीं गया, हमारा यहाँ कोई लगाव नहीं है, न घर में, न बच्चों में, न उसमें, ये सब जगह सुना था है। और इस जगत में कुछ है भी नहीं, जो भी चीज है क्षणिक है। फिर दौड़ोगे आप तो क्षणिक चीजों में क्या चीज मिलेगी, तो क्षणिक है। चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, क्षणिक है। अरे क्या ये तो चीज, ये तो जान लिया कि चढ़ के उसे कुछ है। कौन सुने और कौन संभारे, सब मोहिदीन निकारी। कहते और कौन सुने, कौन सुने और कौन संभाले, लेकिन गुरु ने कृपा की निकाल लिया, दया कर दी। जब इतने दीन होते हैं तो दया हो जाती, इसलिए कहा दीनता सबसे प्यारी। दीन हो जाए, सब चीज छोटे हो जाए, तो सब काम बन जाए। जब अहंकार रहता है तो जकड़े रहते हैं, वो दया न ले सकते न कर सकते। बही जात नहीं आमज धारा, तुम बिन कौन उबारी। अब ये मालूम हो गया कि मैं बही जाती हूँ, मैं धार हूँ, अब तुम्हारे बिन कौन बचा सकता, इसलिए मुझे अपनी नौका दो, उसमें बैठ के पार कर जाओ। खेवटिया क्यों देर लगाई, क्यों कर करूं पुकारी। आज जो भेद आपने दिया है और कृपा ही से चल पाऊंगा, वैसे नहीं चल पाऊंगा। मैं मरी जाऊं जी अब कैसे, तुम मेरी सुध न भी संभारी। और मैं सोचता हूं आप हर जगह बैठे मिलते हो, तो मैं आपसे विनती प्रार्थना कर वो यहां से घर पहुंचा दे। डालो जान देव सर जीवन, मैं तुम पर बलिहारी। कहते जा जा आप मिले रास्ते में, वो बैठे हुए कई स्थान पर आप मिले बैठे, तो मैं तो आप पर वही टिचावर हो गए। अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया, प्रेम के सिवाय और कोई चीज नहीं, तो वो आपको दे चुके। वचन सुनाओ दरस दिखाओ, हरो पीर मेरी सारी। और वचन सुनाओ और दर्शन दीजिए, और हमारा जो दर्द है वो दर्द मिटाइए। सतगुरु स्वामी सुनो हमारी, मैं तुम्हारे आधारी। कहते सतगुरु हमारी सुन लीजिए, हम सब आपके साथ, ये सूरत आपकी हो गई। हर तरह से कह रही है, जिस तरह से खुश हो जाए। पिया बिन कैसे जीऊं मैं प्यारी,
मेरा तन मन जात थुकारी। कहते हैं कि मैं पिया के बिन कैसे रहूं, मैं इस तन में व्यक्त के व्यक्त के साथ कैसे, मेरा तो ये सब जल गया और मैं दर्शन के लिए तड़प रही। कोई संत मिले अब भारी जो पिया को मिलावे आरी। कहते कोई संत मिल जाए जो पूरे हो, वो तो पिया से मिला सकते और पूरे नहीं होंगे तो पिया से नहीं मिला सकते। मैं इतनी तड़प है और ना वो मिलते तो पहुंचाएगा कौन, जो पहुंचा होगा वही पहुंचाएगा वही सुनेगा। मैं चलूं गगन में सारी दिन रात लगे मेरी तारी। कहते हैं मैं गगन में चढ़ता हूं और दूर तक चली जाती हूँ, देखती जाती हूँ कि कहाँ मिलेगी। तो जो पता ठिकाना बताया है वो याद रखिए, पता दिया कि मालिक का महल ऐसा है, ये सब पता बताया, ऐसा उनका सिंहासन। मैं बिरहिन लगी कटारी, मैं घायल फिरूं उजारी। मैं तो चारों तरफ जैसे कितने मर गया और घाव लग गया और हकड़ दर्द करता है, हर वक्त पीड़ा होती रहती है 24 घंटे। कहते हैं कि मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं तो गायब हो गया। बोलो सतगुरु अब करे संभारी तब हृदय घाव पुरारी। अब गुरु महाराज संभाल कर रहे तो वो हृदय में बैठ जाए और दया कर दे। मोहिना मदेही निज सारी या मरहम नित लगारी। कहते वो नाम हमको दे दे गुरु महाराज जिस भी हम अपनी सूरत को नित लगा दू, तो नाम जहां तक है वहां तक तो है, लेकिन जाम नहीं है ताव सब यहां भी नहीं, किसी संतों ने यहां भी नहीं खोला। वही जब जाएंगे और बताएंगे कि ये नाम है उसको पकड़ेगा तब जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। जहां तक बताया वहां तक ठीक है, आगे तो उसको बताना, आगे का भेद तो वही मिलेगा जब पहुंचोगे। बोलो सतगुरु स्वामी करे दवारी मैं उन पे जाऊं बलिहारी। ये जौहरी है, मैं इन पे बलिहार होता, हमको और से कुछ नहीं चाहिए। दर्द दुखी जी अरानित तर से तन मन में पीर घनेरी। कोई सतगुरु संत दया कर हेरे तो मिटे बिथा घट मेरी। सतगुरु संत दया करके मेरी तरफ देखे और मेरा ये काम करते, बराबर सूरत पुकारती जाने वाली, धीरज उसका टूट न जाए चिल्लाती। मैं अति दीन अनाथ अचेती उन बिन को मोह गहरी। अब कहते हैं मैं दीन हूं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं और तुम्हारे बिना मैं तो तुम्हारी चेरी हो गई। अब आपके बिना और कोई मुझे क्या देखेगा, मेरा कोई क्या करेगा, आप ही देख सकते हैं।
क्या क्या कहूँ काल जस कसिया फसिया आन अंधेरी। क्या क्या कहूँ, रस्ते में बहुत रुकावट, बहुत ही रुकावट में रही है सुंदरता है, बहुत सुंदर चित्रों में वो देखती है, ऐसे उतने नहीं देखे पहले, देखे थे तो छोड़ के चली आई, अब उसको होता था जाता है, वो देखने में लग जाती है और रुकने की कोई बात वहां नहीं है। गुरु मन की बात मन ही पुन जाने, मुख से क्यों कहत बनेरी। कहते हैं तो अंदर की चीज है, बाहर किसी को क्या कहे किसी को क्या मालूम होगा, किसी से अगर कुछ कह दो हम ये देखते हैं तो तुमको मूर्ख बनाएगा, इसलिए तो कहा कि तुम चुप रहो, बोलो नहीं किसी से, घर में स्त्री पुरुष थे उनको भी नहीं कह रहा, न देवी पुरुष थे न पुरुष देवी थे, अपना अपना छुपा के रखो, चल दूसरा कौन जानेगा, बोलो। अंतर जामी बैद मिले जब तब दुख दूर कलेरी। कहते जब अंतर जामी हृदय पर बैठ जाएंगे तब दूर कर देंगे दुख को। आप ही आप रोग मेरा बूझे, आप ही दे कुछ दवा भलीरी। कहते कि आप ही है, आप तो ये रोग मिला और आप ही के पास में दवा है और किसी और के पास में दवा नहीं, तो दवा दे देंगे तो रोग चला जाएगा। मैं तो अजान निपट कर मूढ़ा भूला गैल गलीरी। कहते मैं तो अनजान हूं मूढ़ा, मुझे क्या, हर तरह से हर दर्दों से हर भाव से वो अपने आप को पटन कर रहे। तुम दयाल कस ढील करोगे जल्दी से अब कर्म दलेरी। कहते आप दयाल क्यों देरी कर रहे हो, आप जल्दी कीजिए तो दर्शन करो, इतनी है तड़प, थोड़ी बहुत तड़प नहीं बहुत तड़प। सतसंग सार न बूझे चंचल ठहरत नहीं छिन एक पलीरी। और कुछ नहीं याद कुछ है नहीं, और उस देशों को देखती हूँ तो हैरत है, फिर सोचती हूँ कि मालिक का देश कैसा होगा, वो सोचती है जो देख रही है वो तो हैरत है, हैरत का मतलब कोई कह नहीं सकता। सतगुरु स्वामी अचरज धामी आन मिले सब पीर हरीरी। अब सतगुरु ने देखा इसको दर्द बहुत है तो धीरे से आए और उसके दर्द में सुनर मेरी मैली भाई अब का मैं जाऊं धुलान। बोलो। घाट घाट मैं खोज तुहारी धुबिया मिलान सुजान। अब कहते देर होने वाली है कि प्रीतम से मिलाप करा दे, और रस्ते में जाते तो पूछते हैं कि तुम कौन हो या कैसे आई, बड़े जोर की आवाज आती तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गई, तो कहती है मृतलोक में हमको संत मिले, उन्होंने निशानी ये पता बताया
उनकी कृपा से यहाँ तक आए। तुम्हारे कुछ नहीं बोलेगा, वैसे कोई जा नहीं सकता वहां, संतों की कृपा ही होगी तभी जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। हर जगह पूछती नहीं हरे रहू कस पिया घर जाऊं, बहुत मरे मेरे मान। कहते अब तो बस पिया वही उसको देखूं और वही रहूं, दूसरे कोई इच्छा सूरत में नहीं है। बोलो ओ नित नित तरसू पल पल तड़पू, कोई धोवे मेरी चुनर आन। देव जिस तरसता पल पल तड़पता और कोई आ करके मेरी आंख खोल दे और पिया के सामने खड़ा कर दे। काल दुष्ट और मन अपराधी और लगावे की चरसान। मन काल है अपने हिसाब को मांग रहे थे, बता रहे थे, अब तो हिसाब हिसाब कुछ देना अब तो पहुंची, अब तो सतलोक से भी परे हो गई, अलग से भी परे हो गई और अगम के बाद अब जाने वाली है। काते कहूं सुने नहीं कोई, सब मिल करते मेरी हार। आप किससे कहो, अब गुरु ने हमारी तरफ से अपने हाथ में ढाल ले ली, ढाल कहते बचाओ, किसी का कोई हथियार चले, कोई लाठी चले या कुछ तो वो बचाओ, डाल कहते बचाने को, कहते मेरी जो बचाव की है वो डाल गुरु ने की। अब ये विश्वास सूरत हो गया। बोलो सखी सहेली सब जुड़े आई, लगी भेद बतलान। अब सखी सहेली सूरत की है सब, संतोष सतगुरु स्वामी धुबिया भारी प्रगटे आए जहान। कहते हैं सतगुरु स्वामी धुबिया, धुबिया कहते हैं धोबी, वो तुमको मिल गए दो डाले, तुम धीरज रखो, वो धुबिया है, धोबी है कपड़ों को साफ करते हैं, मैल को साफ करते हैं, ऐसे ही सूरत को बिल्कुल साफ। बोलो सूरत चली धुलावन काज, चुनरिया मैल भरी। अब वो अपने जो पर है वो धुलाने के लिए धोबिया के साथ चली, अब धोबिया ले चला उसको तो साफ पहुंचाएगा। बोलो गई सत्संग के घाट, सूरत गुरु चरण धरी। अब गुरु चरणों में बैठ लिपट जाएगी तब जाएगी, गुरु वहां जाते आते हैं वो ले जाएगी, वैसे अलग होके नहीं जा सकते। बोलो पाया शब्द अगाध, हुई घट बीच खरी। अब घट में बहुत खरा लगाव हो गया प्रेम का, बहुत उससे प्रेम। चली सूरत आकाश, उड़ी जो उड़त परी। कहते हैं वो आगे चली, वो देखती है सुनती है। बोलो हुआ काल बल छीन, तृष्णा सकल जरी। अब कहते हैं काल का बल तो यहाँ रहा नहीं, अब तो जो कुछ है सब शब्दों को खेल है, उसको पकड़ लेगी और चलेगी। सूरत शब्द का मेला है और वो शब्द जो हो रहा वो यहाँ नहीं है, वो तो जो कुछ है वो तो यहाँ सत्य लोग तक का है,
आगे जो पहुंचेगा वही चलेगा, जो नहीं पहुंचेगा नहीं चलता। यहां बताया भी नहीं किसी महात्मा ने कि हाँ ये सब उसका किसी शब्द से ही पहुंचा दे, उनको तो पहुंचाना है। बोलो पाया प्रथम ठिकान मिली पदयान हरी, कहते मैंने पाया पहला ठिकाना पा लिया। बोलो खोला बंक द्वार सुफल हुई देह नरी, कहते कि हमारा ये दरवाजा लगा था सब जगह आने जाने का खुल गया और ये नर शरीर अब सफल हो गया। अब ये कितना महत्वपूर्ण नर शरीर है जिसमें मालिक बैठ करके प्रकट हो जाए, उसका रेसा रेसा सफल हो गया। सुन सरोवर पाए सेत हुई अब चुनरी, असली मूल लक्ष्य है कि दर्शन हो गया। तो कह रहे कि सफल हो गया हमारा दर्शन, मालिक का मैं मिर जाए पाए पी अपना तो मेरी पीर बुझा दी और दर्द चला गया। नर्सरी जहां वो थी वहां से उठकर आई तो कहते हैं नर्सरी सफल हो गया आपकी बार, दोबारा नर्सरी में इस काम करने के लिए नहीं जाना, अब नहीं आना। इसी तरह से गौतम जी महाराज जब उन्होंने अपनी सूरत को हम पहुंचाया तो कहते हैं कि हम वही मालिक एक है और मालिक और हम एक है, कोई इसमें फर्क मत पड़ना। ये सब विस्तार जो नीचे हुआ वो हमें से हुआ, अभी ने किया। जब मालिक भी मिल गया तो मालिक हो गया। अब वो कहते हैं विस्तार नर शरीर उनका सफल हो गया, काम उनका पूरा हो गया। अब अभी तो अपने लोगों में बहुत थी घर में मानसिक खराबी जाओ चित्त की खराबी तरह तरह की खराबी है, उसमें समय चला जाता है, इनसे छुट्टी नहीं मिल पाती तो अंदर चल नहीं पाती, चलते तो फिर ऊपर से नीचे आ जाते, ये खींच लाए। जब इधर से विश्राम हो जाए उदास हो जाए इन सब चीजों से घिरा हो जाए तब तो निकल जाए। जरा भी लगाव रहा एक कण भर भी तो फौरन आ जाएगा। तो ये साधक के लिए तो उसको हमेशा अपने को दीन रहे, जरा भी अपने को कुछ बने नहीं तब तो धीरे से निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। कहने का यह है कि मालिक का दर्शन हो गया है, तुरंत ने खूब दर्शन खोल के किया। सत्संग आपको इन 7 दिनों में बहुत मिला और इसको बराबर याद रखो, उसी तरह से आप चलने की तैयारी बनाओ।
ये प्रेमियों ने जो समय दिया है वो अति सुंदर है। अति अच्छा है कि आपने समय दिया। ऐसे ही जब जब सामूहिक जैसे होली है, गुरपूर्णिमा है या भंडारा है, तब बहनों की हो तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। बराबर उसमें उपस्थित होते रहना चाहिए और वहां लगे रहो तो जो कमी रहेगी यहाँ पूरी हो जाएगी। कमी करने के लिए ही सत्संगी आते हैं कि हमारी ये कमी है, हमारी कमी है, हमारी कमी है। उसी को सुनते हैं फिर जुड़ते हैं, यानी दुखी होते हैं और सोचते हैं कि अब नहीं करेंगे ऐसा। ये तो ये सब चीजें पकड़ में आती हैं कि अब नहीं करेंगे, अब की तो भूल गलती हो गई। तो इन्हीं पर तो विचार रखना जिससे कि पकड़ो नहीं, सीधे यहां से निकलो तो अच्छा रहेगा। सात दिनों का कार्यक्रम संपन्न हुआ, संपन्न प्रेम के साथ। ये मैदान बिल्कुल खचा खच है, ये भी थोड़ा सा खाली है पीछे, बहुत दूर पर इधर उधर की बातों में कुछ नहीं होते। इतनी जनसंख्या आती है, कोई किसी तरफ जाता है, कोई किसी तरफ जाता है, कोई किसी तरफ जाता है, तो चारों तरफ के लोग आए, चारों तरफ जाएंगे। कोई है कि इधर से मुझ जाओ तो रास्ता तो वही जाने का जाएंगे। बोलो जय नीचे बांस रख देना, ऊपर से रख देना, खाली कर दोगे तो बुआ दिया जाएगा। आप जानते हो 500 ऊपर कौए हैं तो उनके लिए चारा हो जाएगा। इसलिए अपने अपने जाओ प्रेम के साथ में याद करते हुए, रास्ते में कोई बात हो तो कर देना।
करो जय गुरुदेव। चलते समय आप उस देवा देवा से इधर जाते, जल्दी जल्दी से लो भाई, सेवादार भाई को घूमो, सब लोग दे दो। मैं अभी यहीं पर हूं, चलो जल्दी से। इतनी सवारियों को लेकर के जा रहा हूं, उसी के ऊपर तो सब कुछ दारू मंदा रहे। आप उससे जल्दी मत कीजिए, घर पहुंचोगे घंटे दो घंटे बाद, लेकिन उसको सो लेने दीजिए। इतना जरूर हमारी बात को याद रखिए, मैं जरा सा झोंका आया तो गड्ढा मिल गया, पेड़ मिल दिया। आप तो 50-60-70 बैठे हुए हो, तो जान जोखम कौन गया कौन आया ऐसा नहीं। और तो 12 बजे कुछ तो भाई नींद आ रही है, अगर आती हो तो खड़ा कर लीजिए आप, और थोड़ा सो जाइए 2 घंटे, तो कम मौका दे दीजिए, सोनेगा तो उसकी थकान चली जाएगी।